वक्त एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से सांबा सेक्टर में घुसपैठियों को मार गिराया गया है। सीमा में घुसने की कोशिश पर बीएसएफ ने की यह कार्रवाई। जवानों ने पहले चेतावनी दी लेकिन वो नहीं रुका, जिसके बाद बीएसएफ ने एक्शन लेते हुए उसे ढेर कर दिया। एक घुसपैठिया कोशिश कर रहा था घुसपैठ की, जिसे ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर का यह मामला, जहां इस घुसपैठिए को मार गिराया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसएफ को ये बड़ी कामयाबी। पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कौन है घुसपैठिए और घुसपैठ का मकसद क्या? देखिए, जो सांबा सेक्टर है बीएसएफ का एरिया पड़ता है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और यहाँ पर सुबह लगभग 10:45 के करीब एक घुसपैठिया जो था वो भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था, और वहाँ पर जो बीएसएफ के जवान अलर्ट थे उन्होंने उसे ललकारा, लेकिन वो फेंस की ओर भागने लगा तो उसे गोली मार दी गई। अब घुसपैठिए का जो शव है वो अपने कब्जे में ले लिया है बीएसएफ ने, और इसी इलाके में 23 नवंबर को भी एक घुसपैठिया मारा गया है, और उसके बाद यहाँ पर टनल बरामद हुई थी जो सीमा पार से निकाली गई थी। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स इस तरह के घुसपैठिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भेजती है ताकि बीएसएफ के जवानों के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, और ताकि घुसपैठ करवाने का इरादा था इसके पीछे, और लेकिन एक बड़ी चाल को विफल किया है बीएसएफ ने, जो घुसपैठिया सांबा सेक्टर में मारा गया जी। है।